हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। अप्रॉक्सीमेट 2 वीक के बाद हम फिर से अपनी जो सीरीज़ हैं, अपनी जो क्लासेस हैं, कंटिन्यू करेंगे। और पिछले 2 दिनों से मैं चंडीगढ़ में थी और वहाँ पर मुझे कुछ स्टूडेंट मिले और उन्होंने पर्सनल रिक्वेस्ट मुझसे किया कि मैम, आप हमारे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कोर्सेज नहीं करवा रहे हैं, या फिर एप्लीकेशन पे हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट, वो तो मुझे पर्सनली मिले थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो डायरेक्ट जो मैसेज भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके मन में ये डाउट है कि हमें हमारा सिलेबस कहाँ मिलेगा। तो आज मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पहले डाउट्स क्लियर कर देती हूँ, इसके बाद जो सेकेंड क्लास हमारी होगी वो आपकी मेन जो सिलेबस से रिलेटेड होगी वो हम लेकर आएंगे। ओके, तो जल्दी ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी के लिए रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम केवल स्पेसिफिक किसी एक यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, नहीं जी। अगर आप एलजेब्रा पढ़ रहे हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए भी वो क्वेश्चन उतने ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटीज़, मतलब हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ जितनी है सब में सेम सिलेबस नहीं है। ये बात तो आप समझ ही चुके हैं कि आप ग्रेजुएशन में अगर पढ़ रहे हैं, और आपने देखा भी होगा कि किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में या फिर हर एक सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है, अलग अलग बुक्स कर दी जाती हैं। हरियाणा की ही हम बात करें तो मैंने 3 से 4 टाइप के कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं अकॉर्डिंग टू ऑल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि स्टूडेंट जब अपना सिलेबस चेक करता है, वो जब वहाँ पर पे कर रहा है तो उसको चाहिए अपना कंप्लीट सिलेबस, और ये बिल्कुल जायज़ भी है ना। तो इसी के लिए हमने बहुत सारे कंबाइंड कोर्सेज वहाँ पर डिज़ाइन किए। कई बार तो स्टूडेंट खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि हम इनमें से कौन सा एनरोल करें, है ना। तो जिस भी स्टूडेंट को इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आपको फ़ोन नंबर्स दिए जाते हैं, आप चैट सेक्शन में बोल सकते हो कि मैं इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे फला फला जो कोर्स चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मतलब आप इस टाइप के अगर चैट में डालिएगा तो आपको गाइड किया जाएगा। इसकी एक तो सोल्यूशन ये रहेगा। सेकेंड थिंग, क्योंकि कंबाइंड कोर्सेज हम इसलिए डिज़ाइन कर रहे हैं कि सेपरेट कोर्सेज अगर हम बनाने लगे तो पता नहीं कितनी ही लंबी लिस्ट हो जानी है, समझ रहे हो। कंबाइंड कोर्सेज से तीनों बुक्स या जिस भी किसी यूनिवर्सिटी में 2 बुक हैं, जैसे अभी पटियाला यूनिवर्सिटी में 2 बुक हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 बुक्स हैं, है ना, किसी सेमेस्टर में 2 रहेंगी, किसी में 3 रहेंगी, किसी में 4 रहेंगी, ये यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करता रहेगा। जो सभी कोर्सेज कंप्लीट किए हैं जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट किए हैं, ये मैसेज भी बहुत आता है बच्चों का कि मैम आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो, कौन सी बुक हमारे लिए सही रहेगी। तो मैं जीवन संस पब्लिकेशन की बुक से पढ़ाती हूँ, आप चाहे किसी भी बुक से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन करने आ भी जाते हैं तो स्टेटमेंट चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थ्योरम्स आपको एज इट इज़ मिलेंगी। जो भी बायनियम थ्योरम होते हैं ऑब्वियसली वो तो एज इट इज़ ही मिलेंगे, आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट मुझे पर्सनली मिले थे उनको मैं बता दूँ, या बाकी जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आपका ओल्ड सेमेस्टर्स का सिलेबस आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो अभी न्यू देख रहे हैं स्टूडेंट इस वीडियो को, तो न्यू एरा मैथ्स नेम से जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पर आप मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन के कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर पंजाब यूनिवर्सिटी है, पटियाला यूनिवर्सिटी है, उन स्टूडेंट्स को फीस पता चलती है तो वो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मैम इतने कम रेट में यहाँ पे हम कभी भी नहीं कर पाते। ओके, तो कंप्लीट सिलेबस। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट का होता है कि हमें कोर्सेज में मिलने क्या वाला है, तो कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में है। रिकॉर्डेड इसलिए कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम अपना कोई भी टॉपिक इजीली कर सकता है। कोई अपनी स्पीड फास्ट रखता है, कोई धीरे धीरे कर रहा है, किसी को कम समझ आता है तो वो बार बार वीडियो को देख सकता है, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक हमने स्किप किया है, मतलब कंटिन्यूशन में आपको टॉपिक्स मिलेंगे। आप खुद भी चेकआउट कीजिएगा तो आपको एक ही कोर्सेज में 80 और 90 के बीच में ही क्लासेस मिलने वाली हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी बुक में आपका मटेरियल है, जितना भी आपका कंटेंट रहेगा, वो कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर मतलब बेसिक, फिर थ्योरम्स एंड देन एग्जाम्पल्स एंड देन वो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सभी यहाँ पर कवर किए गए हैं, क्लियर।
और भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाता है तो आप फ़ोन कर सकते हो 8053-633-433। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही है। अब क्योंकि एकदम से तो हम पूरा का पूरा जो सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज हैं वो डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम करेंगे। जैसे हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट सभी सेमेस्टर कवर कर दिए हैं, तो जो भी स्टूडेंट अनरोल करना चाहता है या चेकआउट करना चाहता है तो आप न्यू एमएस एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पर आपको स्पेसिफिक थंबनेल पर ही दिख जाएगा। जैसे आप स्टोर सेक्शन में जाइएगा जहाँ पर सारे कोर्सेज होते हैं, वहाँ पर आपको थंबनेल पर दिख जाएगा पीयू सेमेस्टर फर्स्ट या थर्ड या फिफ्थ। जब आप इवन सेमेस्टर में जाइएगा तो सेकेंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के कोर्सेज भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। मतलब ये कि हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ के कंप्लीट हम कोर्स डिज़ाइन कर चुके हैं। एक चीज़ और, हरियाणा यूनिवर्सिटीज़ में जो खानपुर कला में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर जिन भी स्टूडेंट का सिलेबस डिफरेंट है, मतलब कंबाइंड से मैच नहीं कर रहा है, जैसे कि अभी कल ही फ़ोन आया एक स्टूडेंट का कि मुझे फिफ्थ सेमेस्टर में कोर्स मुझे देखना था, तो दो बुक्स उनकी मैच करती हैं लेकिन थर्ड बुक मैच नहीं करती। थर्ड बुक उनके स्टैटिक्स डाल दी जाती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की जगह पे थर्ड बुक स्टैटिक डाल दी, और स्टैटिक हम पढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर में। क्लियर? तो कंटेंट सेम है, एज इट इज़ कंटेंट है, वही जीवन संस पब्लिकेशन की बुक ही पढ़ाई जाती हैं लेकिन बुक्स अलग कर दी जाती हैं। अब कंबाइंड कोर्स बच्चा इसलिए देखता है क्योंकि हमने जो सेपरेट कोर्सेज हैं और जो तीन बुक्स का या दो बुक्स का कंबाइंड कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, उनमें हमने ऑलरेडी 20% डिस्काउंट पर वहाँ पर कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। मतलब अगर आप सेपरेट कोर्स आप 1000-1000 रुपीज़ के एनरोल करते हैं तो तीन बुक्स का कंबाइंड कोर्स आपको 2499 रुपीज़ का मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि कोई बच्चा अगर तीन बुक्स अगर एनरोल करता है तो उसको ऑलरेडी डिस्काउंट पर मिलना चाहिए, सिर्फ इसलिए। क्लियर? कंटेंट सब में सेम रहेगा। अब बात करते हैं जो खानपुर कला के जो स्टूडेंट हैं कि भाई अगर हमारा कंबाइंड कोर्स नहीं है तो हम अगर सेपरेट लेंगे तो हमारा 500 रुपये का लॉस होगा। बिल्कुल, तो आपके लिए एक सोल्यूशन मैंने निकाला है कि आप जो भी स्टूडेंट अनरोल करना चाहता है पहले मुझसे कॉन्टैक्ट करें। क्लियर? ऐसा नहीं है कि हम किसी भी स्टूडेंट को टाइम नहीं देते, सभी स्टूडेंट को टाइम देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका एक बार में कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो प्लीज़ आप सेकंड टाइम कॉल कीजिएगा। ठीक है? तो आपको क्या करना होगा कि आपकी 3-3 बुक्स हैं, आपको 20% डिस्काउंट दे दिया जाएगा तीनों बुक्स पर, ग्रुप एंट्री, रियल एनालिसिस एंड स्टैटिक्स। ये मैं ओनली फिफ्थ सेमेस्टर की बात कर रही हूँ। अगर आप थर्ड सेम में हैं या फर्स्ट सेम में हैं तो आपको भी अगर लग रहा है कि कंबाइंड कोर्स में हमारा जो एक बुक एक्स्ट्रा है या अलग है, जो भी है, तो आपको अगर सेपरेट कोर्स ज्वाइन करने हैं तो 20% डिस्काउंट किसी भी टाइम आपको दे दिया जाएगा, चाहे वो कंप्लीट सिलेबस के लिए, कंप्लीट कोर्सेज के लिए जो डिस्काउंट है या नहीं है, स्पेशल डिस्काउंट जो हम लेकर आते हैं वो अगर है चाहे नहीं हो आपको दिया जाएगा। क्योंकि कितने ही कंबाइंड कोर्स हम डिज़ाइन करें, है ना, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनका टॉपिक्स ही अलग हो जाते हैं। अब इनमें तो क्या है, इनमें जो मैं अभी बात कर रही हूँ, ग्रुप एंड रिंग हो गया या फिर रियल एनालिसिस है या फिर स्टैटिक्स है, इनमें कंटेंट एज इट इज़ है। अगर आप सेपरेट कोर्सेज जो हैं वो भी ज्वाइन करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सेम कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा एक चैप्टर यहाँ से गायब है, इस बुक से मेरे दो चैप्टर नहीं मैच कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर कंबाइंड कोर्स डिज़ाइन नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे कोर्सेज हो जाएंगे ऐसे अगर हम देखते जाएंगे, और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि जितना कवर मैं कर पाऊँ, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ को मैं कवर कर पाऊँ, जल्दी जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। DU यूनिवर्सिटी का जो कैलकुलस का जो बच्चों की डिमांड आती है, ऑलरेडी आपका कैलकुलस का कोर्स है अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को स्टोर सेक्सेस में नहीं मिलता है तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कीजिए, चैट सेक्शन में डाल दीजिए, वहीं से आपको गाइड कर दिया जाएगा। ऑलराइट, मैंने अभी बताया आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के हम कवर कर चुके हैं, पटियाला यूनिवर्सिटी का आज इवनिंग तक आपको कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर का मिल जाएगा, और जल्दी ही हम थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर का भी जल्दी हम कोर्स डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है? तो ये आपका कंबाइंड कोर्स रहेगा। पटियाला यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट की जो डिमांड आ चुकी है, और जो ऑनर स्टूडेंट हैं, मुझे इतना मतलब शौक लगा कि ऑनर स्टूडेंट ने, बच्चे ने मुझे बताया कि वहाँ पर 20,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं ओनली फॉर 15 या 17 चैप्टर्स थे
इस सिलेबस के लिए, तो आप सोच के देखिएगा कि आप पूरा बीएससी कर जाओगे इतने आपके तभी भी नहीं लगेंगे जितना आप ओनली वन बुक के लिए पे करते हैं। और ये पटियाला की मैं बात बता रही हूँ। चलो अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट है, लेकिन हमारा, आप चाहे किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, बिहार से, किसी भी जगह से अगर आप बिलोंग करते हैं, ऑल इंडिया या आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो आप सभी के लिए रेट सेम ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा अगर फीस है तो हमने वहाँ के रेट ज़्यादा जो इंक्रीज़ करके हमने आपको बताए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रेट उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्राइस मिलेगा, जितना आपका कंटेंट रहेगा। क्लियर? फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मिनिमम से मिनिमम मैं वहाँ पर प्राइस रखूँ, क्योंकि आप लोगों को देख ही रहा है कि इतने सारे कोर्सेज डिज़ाइन करना, मेंटेन करना, और मतलब पूरा सुबह से लेकर शाम निकल जाती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। और आप सभी स्टूडेंट्स का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली हम खूब मेहनत करेंगे और आपको भी हम प्रेरित करेंगे। आप भी बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने सभी सेमेस्टर्स में या अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए। जितना ज़रूरी है नॉलेज इंक्रीज़ करना, उतना ही ज़रूरी हो जाता है आपकी परसेंटेज भी आनी चाहिए, है ना। कई बार हम सोचते हैं यार नॉलेज तो है, परसेंटेज नहीं आती है, तो वहाँ पर फिर वो भी हमारा एक टाइप से लॉस ही हो जाता है ना। तो उसी के लिए, उसी को, परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं हर बुक के लिए, जैसे एलजेब्रा है, कैलकुलस है, सॉलिड ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स है, एडवांस कैलकुलस है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन बुक हमारी रहेगी, है ना, पीडीई, और इसके बाद जो हमारी फिफ्थ सेमेस्टर्स की बुक्स रहेंगी, और इस टाइप से हम सभी बुक्स को कवर करेंगे। और इससे ज़्यादा अगर स्टूडेंट को पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका बेनिफिट होता है। ये तो आप भी फील कर चुके होंगे, और पहले भी सेमेस्टर्स में मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। लेटेस्ट जो पेपर है, या फिर 2015 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेटेस्ट 2022 तक के एग्ज़ाम्स की एक हम अलग से कोर्स डिज़ाइन करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट मंथ लॉन्च करने वाले हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर उसमें सारा ही आ जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और उसमें जो भी पास्ट जो क्वेश्चन पेपर्स जितने भी आपके रहेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि KUK का रहेगा, ना MDU का है, ना IGU का है, मतलब सभी का मिक्सअप आपको मिलेगा वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं कि वो कोर्स जो अगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर एनरोल करता है तो आपको वहाँ पर क्या मिलने वाला है, सबको सेम मिलेगा कॉन्टेंट, सबके लिए वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा ही नहीं कि कोई भी उठाया और करवा दिया, नहीं जी, जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताती हूँ, आप पीछे वाले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए और पीछे वाले एग्जाम्स उठा के देखिएगा, तो 40% से ज़्यादा जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनके आने के चांसेस हैं, और वो आते हैं। और ये मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये बच्चों का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। आप भी अब की बार एक्सपीरियंस कीजिएगा और फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक टाइप से शौक ही लगा है, क्योंकि उनके तीन बुक से हटा करके एक बुक यहाँ पे अप्लाई कर दी गई है, ओनली कैलकुलस। यानी कि उनका अगर आप देखिएगा तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, है ना। तो जो कैलकुलस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई की गई है, स्पेसिफिक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मैं अभी बात कर रही हूँ और CRSU की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो ओनली वन बुक अप्लाई की गई है आपकी बार फर्स्ट सेमेस्टर में NAP के अकॉर्डिंग, तो आपका भी ओनली वन बुक का जो कैलकुलस का सेपरेट कोर्स है, आप वो एनरोल कर सकते हैं ओनली 749 रुपीज़ में। ओके, तो आपका कंप्लीट सिलेबस, इतने तो आप एक महीने में वैसे ही खाने पीने पर उड़ा देते हैं, है ना। तो इस प्राइस में, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, आप अपना कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। और खासकर कुरुक्षेत्रा की अगर मैं बात करती हूँ, या फिर आप जैसे CRSU में भी चेंज हुआ है, तो आप ये मत मान के चलिएगा कि अब हमें सिलेक्टेड सिलेबस ही करना चाहिए, नहीं जी, आपके अभी केवल एक बुक है फर्स्ट सेमेस्टर में, ओनली कैलकुलस है। ओके, और अगर एक ही बुक है तो आप ये सोच के चलिएगा कि मुझे पूरा ही सिलेबस करना है।
आपके 12 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं आपको कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे, कोई भी चैप्टर आप स्किप नहीं करेंगे। ओके, फिर भी किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है किसी भी तरीके का, सिलेबस से रिलेटेड या फिर अपने यूनिवर्सिटी का कुछ अलग सिलेबस है या फिर आपको कुछ अलग दिख रहा है एप्लीकेशन पर, तो आप ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नोट भी कर देती हूँ नंबर्स, 8053633433, और व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं 9416941982। ओके, और अगर किसी स्टूडेंट का व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं पहुंचा है तो प्लीज़ आप अपने जो क्वेश्चन है, अपने जो क्यूरी है उसको रिपीट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कांटेक्ट में होते हैं और सभी को रिप्लाई करना एक ही दिन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर वो स्किप होते होते और फिर वो छूट ही जाते हैं अगर आप उसको दोबारा से मैसेज नहीं करते हैं वहाँ पर चैट पर, तो स्किप भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका रिप्लाई नहीं गया है तो आप अपना मैसेज रिपीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और जो स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो कोर्स मैंने अभी जिक्र किया आपको, जिसमें हम 2015 से अब तक के सभी सारे के सारे पेपर्स हम डिस्कस करेंगे, हर एक बुक के हम डिस्कस करेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि 1 तारीख से वो कोर्स आपको स्टार्ट हो जाएगा। सो इस अगर कोई भी स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाता है तो उसका भी बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।